अस्सलाम वालेकुम दिबे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 10th, सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। क्लास वेलकम बैक इन डिप्स वर्चुअल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस और व्हाट्सएप क्लासेस। क्लास 1 वीक के गैप के बाद हम फिर आते हैं आज मैथ्स की क्लास में, ठीक है। जहाँ तक हमने छोड़ दिया था हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई होप पिछला आपको क्लियर हो गया। तो हम थ्योरम से स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है। थ्योरम क्या जो था, चैप्टर नंबर 10 जो है टेंजेंट, टेंजेंट से रिलेटेड हम कर रहे थे। तो टेंजेंट हम देख लिया था कि टेंजेंट क्या चीज़ होती है। टेंजेंट ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एक्सटर्नली किसी एक पॉइंट से टच करे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमने थ्योरम 10.1 और 2 कर लिए थे। 1 हमने किया था, 2 मैंने आपको होम टास्क किया था, और आज हम ये वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं 10.3। तो 10.3 में क्या है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स आ जाते हैं, गिवन होता है और एक जो है वो प्रूफ करना होता है। पहला जो है वो गिवन पार्ट हम देख रहे हैं, टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फॉर्म अ पॉइंट आउटसाइड इट, यानी एक सर्कल है उसके बाहर किसी उसके आउटसाइड पॉइंट है वहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। प्रूफ करने क्या, आर इक्वल इन लेंथ, वो लेंथ में इक्वल होने चाहिए, ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमें गिवन क्या है, हमने प्रूफ क्या करनी है, और उसके अकॉर्डिंग हम उस पर कैसे क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या रीज़न देंगे कि उसको प्रूफ कर सकेंगे। गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ओ, और ए जो है यहाँ पे एक्सटर्नल कहीं पे इससे बाहर एक पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ गिवन है। और 2 टेंजेंट है ए बी एंड ए सी, ये यहाँ से ड्रा किए हुए ए सी और ए बी, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। और ड्रॉन 2 टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, अब प्रूव करना है कि मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी, यानी ए बी और ए सी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये लाइन अभी मैंने खुद ड्रा की है, लेकिन ये लाइन यहाँ पर ड्रा नहीं की हुई थी, ये हमने कंस्ट्रक्शन में करनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ओ से ए पे भी ज्वाइन करना है, बी पे भी और सी पे भी, यानी ये लाइन भी हमने कंस्ट्रक्शन में करनी है। ओ से ए पे भी ज्वाइन किया, बी पे भी ज्वाइन किया और यहाँ से सी पे भी ज्वाइन किया, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल आ रही है मेरे पास ए ओ बी और एक है ए ओ सी। इसकी हर हर लाइन इक्वल देखते हैं, सबसे पहले तो इसकी कॉमन लाइन को ये देख लेते हैं। ओ ए दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, दोनों जो कि ये साइड है ये इक्वल है, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ, ये दोनों में कॉमन आ रही है। दूसरी लाइन यहाँ पे ये ले लेते हैं, जो भी हमने रेडियस ड्रा किए ओ बी, एक ट्राइंगल का ओ बी दूसरे ट्राइंगल की ओ सी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये रेडियल सेगमेंट है या एक ही सर्कल के 2 रेडियस हैं, लिहाजा ये 2 साइड भी इक्वल आ गई। अब ये साइड इक्वल है, ये स्ट्रेट लाइन है, और जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर आ जाता है, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर, रेडियस सेगमेंट और ये जो टेंजेंट है, तो लिहाजा इन पे जो बनने वाला ट्रायंगल है वो किसकी, वो जो ट्रायंगल होगी वो राइट ट्रायंगल होगी। ए बी ओ या फिर ए सी ओ दोनों ट्रायंगल क्या इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स के राइट एंगल है, क्योंकि जो टेंजेंट बनता है ना, टेंजेंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर, यानी वो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गई है कि ये 90 की इक्वल है, तो लिहाजा ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है, मतलब ट्रायंगल ए ओ बी, ए ये ए साइड, ठीक है, ए ओ बी और ए ओ सी जो है आपस में इक्वल आ जाते हैं। जब ये सारे ट्रायंगल इक्वल आ गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हाईएस्ट साइड आ जाती है इनकी, ए बी और ए सी भी आपस में इक्वल हैं, दोनों मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। ये तो था हमारा थ्योरम नंबर 10.3। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 4.A। 4.A में इन दोनों की मैं आपको स्टेटमेंट बताऊँगी, ठीक है, स्टेटमेंट और बाकी ये प्रूफ आपने करना है। मैं क्या बोला हुआ है, इफ टू सर्कल टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर आर इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई,
यानी देखें दो सर्कल हैं वो एक्सटर्नली बाहर से किसी पॉइंट पे आपस में टच हो रहे हैं, दोनों का रेडियस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन क्या कह रहे हैं, दोनों के रेडियस आपस में एक से दूसरे का तक का जो फासला है वो आपस में इक्वल है, या फिर ये कह सकते हैं दोनों के रेडियस का सम किसके बराबर है, इस होल की सम के बराबर है। यानी यहाँ पे देखें प्रूफ में भी ये किया हुआ है, ओ प्राइम, ए का रेडियस ओ है और एक का रेडियस ओ प्राइम है, ये किसके इक्वल हमने करने है, इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ से लेके ए और ओ से लेके ए, यानी इन दोनों के सम की इक्वल है। तो इस चीज़ को आपने प्रूव करना है, गिवन क्या है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपने करना है, क्लियर। यहाँ पे किसको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप क्लास टाइम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं थ्योरम नंबर 10.4b। इसमें भी कुछ ये दोनों थ्योरम सेम है, इफ टू सर्कल टच इंटरनली, अब वहाँ पे दो सर्कल थे वो एक्सटर्नली टच कर रहे थे, अब जो है इंटरनली टच कर रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज अ डिफरेंस ऑफ देयर रेड, यानी उनके सर्कल का जो सेंटर है वो एक दूसरे का वो डिफरेंस है, जैसे वहाँ पे सम था यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। कैसे देखें, अब उसके अंदर इसको सर्कल को कुछ इस तरह से ड्रा किया हुआ, एक सर्कल है और फिर इंटरनली टच करे तो ज़ाहिर है वो सर्कल उसके अंदर बनेगा, तो कंस्ट्रक्शन ये जो टेंजेंट बना हुआ है ना, ये इस पर कंस्ट्रक्शन की हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि रेडियस कैसे सेम है। प्रूफ क्या चीज़ करना है, यानी इस पूरे का सर्कल जो है, सॉरी इसका जो रेडियस है ये किसके इक्वल आना चाहिए, देखिए मेजरमेंट ऑफ ओ ए माइनस ओ प्राइम ए, यानी इस पूरे का जो रेडियस है इस ये किसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इस पूरे का जो है वो रेडियस बनेगा। देखने में तो इसी तरह से है, हमें दिख रहा है ऐसे ही है, लेकिन ये चीज़ हमने प्रूफ भी करनी है, ठीक है। आप इसकी स्टेटमेंट को देखें, इसके स्टेप्स को देखें, इसका रीज़न देखें, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप फिर क्लास में आप क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 11 ख़त्म हो जाता है, सॉरी 10। इसके साथ ही हम नेक्स्ट थ्योरम का करेंगे स्कीम ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग, लेकिन उसकी बजाय अगर हम चैप्टर्स की तरफ आते हैं, चैप्टर्स को एंड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिसको जो भी कन्फ्यूजन हो तो आप क्लास टाइम में पूछ सकते हैं। थैंक यू।